जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा हॉर्नबिल खत्म करने वाला हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा हॉर्नबिल से मात्र आपको पढ़ने हैं 5 चैप्टर। कौन कौन से पढ़ने हैं सर? सर फर्स्ट नंबर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, सेकंड नंबर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, नंबर थर्ड इज डिस्कवरिंग कट, नंबर फोर्थ इज द एडवेंचर एंड नंबर फिफ्थ इज सिल्क रोड। जी गाइस, और आज के इस वीडियो से देखूंगा 5 चैप्टर से वो 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं सर, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ डिड ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हैंग ऑन द वॉल लुक लाइक, यानी कि जो दादाजी का जो तस्वीर जो टांगा हुआ कहां पर सर, वॉल पर, वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, हाउ डिड ही लुक लाइक, कैसा वो दिखता है। देखते हैं सर, ओल्ड यानी कि पूरी तरह से बूढ़े दिखते हैं, लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, व्हाइट कलर का बियर्ड है यानी कि दाढ़ी निकला हुआ है, राइट, ओन बिग टर्बन और बहुत बड़ा सा टर्बन पहने हुए हैं, टर्बन आप जानते हैं ना, बूढ़े लोग बहुत ज्यादा उसको बांधते हैं टर्बन यानी कि पगड़ी, है ना। तो इस तरीके का उनके दादाजी दिख रहे थे कहां पर सर, तस्वीर में जो उनके दीवार पर टांगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड ग्रैंड मदर लुक, हाउ डिड ग्रैंड मदर लुक, दादी मैं कैसे दिखती थी। अरे सर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छे से पता होगा सर कि दादी मैं कैसे दिखती थी, कैसी दिखती थी, ऐसी तो दिखती थी, ओल्ड थी, वो भी बेचारी बूढ़ी थी, शॉर्ट हल्का सा छोटी थी, स्लाइटली बेंड हल्का सा झुकी हुई थी, और क्या सर, फैट और थोड़ा सा मोटी थी, कौन सर, सर दादी माँ, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर सर। आइए देखते हैं सर नंबर थर्ड, व्हाई वुड ग्रैंड मदर एकम्पनी द ऑथर टू स्कूल, टू हिज स्कूल, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी ना, जो दादी माँ थी ना, वो क्यों एकम्पनी करती थी, यानी कि क्यों साथ देती थी, किसको सर, ऑथर को सर, यानी कि खुशवंत सिंह को सर, टू हिज स्कूल, उसको स्कूल तक, यानी कि स्कूल तक उसके साथ में क्यों जाती थी, क्या कारण था, डांस करने जाती थी क्या, अरे नहीं रे, चट्टा क्यों जाती थी, देखते हैं, बिकॉज द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, जी हाँ, क्योंकि वहां पर जो था ना सर, जहां पर खुशवंत सिंह का स्कूल था, उसी के जस्ट बगल में एक टेम्पल था, जब खुशवंत सिंह पढ़ रहे होते थे तो दादी माँ चल जाती थी कहां पर, मंदिर में, क्या करती थी सर, जाकर होली स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी, इसीलिए दादी माँ क्या कर दिया करती थी, एक कंपनी क्या करती थी, यानी कि साथ दिया करती थी ऑथर को टू हिज स्कूल। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप, यानी कि उनके फ्रेंडशिप में, यानी कि उनके दोस्ती में टर्निंग पॉइंट क्या था, कहां उनके जिंदगी में एक मुड़ाव आ गया, ठीक है सर, बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर, यानी कि दादी माँ और ऑथर के बीच में उनके दोस्ती में कहां पर मुड़ाव आ गया था, कहां पर टर्निंग पॉइंट आ गया, देखते हैं सर। बोलता है व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, कब आया था, कब आया था, जी सर जब गांव में थे ना सर, बहुत मस्ती में था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उनके गार्जियन कहां बुला लेते सर, सिटी बुला लेते सर, शहर बुला लेते, अब बाबू साहब कहां जा रहे थे स्कूल, अब जा रहे थे सर वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे पढ़ने के लिए, और इसीलिए दादी माँ को वहां पर अब थोड़ा सा अच्छा उसको नहीं लगता, क्योंकि उनका समय कटना हो गया था, मुश्किल। क्लियर है सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, यानी कि दादी माँ ऐसा विश्वास किया करती थी, दादी माँ को ऐसा लगता था कि जो एजुकेशन होना चाहिए था, जो शिक्षा होना चाहिए था, शुड बी वो क्या होना चाहिए, द शुड बी रिलीजियस बेस, धार्मिक बेस पर होना चाहिए, है ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ इंग्लिश में सारा चीजें पढ़ाई होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, न्यूटन स्लो होता है, एबीसीडी अल्फाबेट पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें दादी माँ को अच्छा नहीं लगता था, उसे खराब लगता था कि क्यों वहां उस स्कूल में कोई भी एकाध रिलीजियस बुक क्यों नहीं चलता है, धार्मिक किताबें क्यों नहीं चलता है। तो दादी माँ के हिसाब से एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए सर, रिलीजियस बेस होना चाहिए, यानी कि धार्मिक के आधार पर होना चाहिए। क्लियर है सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है वेयर वॉज ऑथर ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट placed, जी हाँ, वेयर वॉज ऑथर ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट प्लेस, यानी कि जो दादाजी का जो तस्वीर था ना, दादाजी का, खुशवंत जी के दादाजी का, वो कहां पर प्लेस था, कहां पर रखा हुआ था, कहां रखा हुआ था सर, तो रखा हुआ था हैंग अबव द मेंटल पीस, हैंग अबव द मेंटल पीस, यानी कि एक अंगीठी था, अंगीठी के ऊपर वो कांची लगा हुआ था, उनके दादाजी का तस्वीर लगा हुआ था सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है हाउ डिड स्पैरो एक्सप्रेस दियर सोरो, यानी कि गौरैया ने कैसे अपने सोरो के व्यतीत किया, कैसे अपने दुखों के व्यतीत किया एट द डेथ ऑफ दियर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के मृत्यु पर, ठीक है, यानी कि जब खुशवंत सिंह की दादी माँ का जब मृत्यु हुआ, तो किस तरीके से स्पैरो उन्होंने अपने दुख को, अपने तकलीफ को उन्होंने क्या किया था, व्यतीत किया था, कैसे किया था सर, देखते हैं। बोलता है दे केम, वे लोग आते हैं एंड सैट साइलेंटली, और चुपचाप बैठते हैं इन द वरंदा, कहां पर, कहां पर सर, वरंदा में, वे लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, यहां तक वे लोग को खाना भी दिया जाता है, ब्रेड का छोटा छोटा टुकड़ा भी जाता है, इसके बावजूद भी वे लोग खाते
नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने दुख को अपने तकलीफ को क्या किया, व्यतीत किया, क्योंकि दादी माँ को जाने का तकलीफ सिर्फ घर वाले लोगों को नहीं है, उस पक्षियों को भी है। कौन किसको सर, सर स्पैरोज को। तो उन्होंने किस तरीके से अपने दुख को व्यतीत किया था, तो दे कैम वे लोग आए थे एंड सैट साइलेंटली इन द बरंदा, और बरंदा में चुपचाप आके क्या किए हुए थे, सर बैठे हुए थे। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपने दुखों को एक्सप्रेस किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव अब्रॉड टू स्टडी 5 ईयर। क्या हुआ जब ऑथर ने अब्रॉड चल गया, अब्रॉड यानी विदेश चल गया पढ़ने के लिए 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, राइट। देखते हैं सर क्या होता है। ग्रैंडमदर बिड गुड बाय, ग्रैंडमदर क्या करती है, गुड बाय बोलती है किसको, सर ऑथर को यानी खुशवंत सिंह को, बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। चुपचाप खुशवंत सिंह के माथे पर किस करती है, एक माथे पर क्या करती है, एक किस करती है, एक चुमा लेती है, और उसके बाद खुशवंत सिंह को छोड़ देती है। क्लियर है सर, यही तो होता है सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, हाउ डिड ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन अपना आफ्टरनून का समय को, आफ्टरनून की दोपहर के समय को कैसे प्रत्येक दिन व्यतीत किया करती थी, कैसे गुजरता था उनका, कैसे बीतता था उनका, है ना, दोपहर का समय कैसे बीतता था, यही आपसे क्वेश्चन है सर। बोलता है बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, कैसे गुजरता था, जी हाँ सर, 100 की संख्या में उनके घर में, उनके आंगन में स्पैरोज आती थी, गौरैया आती थी, और दादी मन को क्या किया करती थी, सर खिलाया करती थी। जी गाइस, प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको हर हाल में होना ही चाहिए, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है सर, जी हां सर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से। बोलता है व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ, व्हेन द ग्रैंडमदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार दादी माँ ने प्रार्थना नहीं किया तो सर क्या हुआ था, देखते हैं। शी फेल इल द नेक्स्ट डे, जी हाँ, सी फेल इल द नेक्स्ट डे, इल का मतलब बीमार, है ना, और नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिनों क्या हो गई, सर बीमार पड़ गई। जब पहली बार दादी माँ ने क्या नहीं किया, सर प्रार्थना नहीं किया। क्लियर है सर, बिल्कुल सर। आगे देखते हैं सर चैप्टर नंबर 2, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी कि हम लोग मरने से नहीं डरते, है ना। पहला मैं आपको चैप्टर से दे दिया द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, 10 क्वेश्चन, अब आइए देखते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी कि हम लोग मरने से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग सारे लोग साथ में हैं तो मरने से नहीं डरते। आइए देखते हैं बहुत खूबसूरत सा लेसन का 10 क्वेश्चन, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखते हैं सर, बोलता है व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी वाज प्लेजेंट फॉर द देम, फॉर देम यानी कि व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब जर्नी का यानी कि यात्रा का कौन सा भाग वो काचे था सर, प्लेजेंट था, यानी कि बहुत अच्छा था, फॉर देम मतलब वे लोगों के लिए, कौन लोगों के लिए, अरे सर वही सर 37 ईयर बिजनेसमैन के लिए। बोलता है फर्स्ट लेग फ्रॉम द इंग्लैंड टू केपटाउन, यानी कि इंग्लैंड से लेकर केपटाउन तक उनका जो सफर था वो बहुत अच्छे से गुजरा था, उसमें कोई दिक्कत परेशानी हुआ नहीं था। क्लियर है सर, अरे सर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टू रहा सर आपके स्क्रीन पे। बोलता है आगे, बोलता है व्हाट वर द नेम ऑफ द टू क्रू मेंबर Whom the author hired? वो दो क्रू मेंबर का क्या नाम था, वो दो नाविका का क्या नाम था, जो कि ऑथर ने क्या किया था, हायर किया था, यानी कि लिया था, ताकि आगे अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो उसे क्या करना होगा, सर सामना करना होगा। वो दो व्यक्ति का क्या नाम था, तो पहला का नाम था सर लैरी विजिल और दूसरा का नाम था हब सिजलर। पहला का नाम लैरी विजिल और हब सिजलर। लैरी विजिल कहाँ का था सर, सर अमेरिका का था। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है वेयर हैड द रिच ऑन द 25th of December, यानी 25 दिसंबर को वे लोगों ने कहाँ पहुंचे, 25 दिसंबर को वे लोग कहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं। बोलता है 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केपटाउन, यानी कि 3500 किलोमीटर आगे पहुंच जाते हैं, कहां से, सर केपटाउन से। कब सर, सर 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर को। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर, बोलता है वेन डिड दे रीच अर्ली एम्स्टर्डम, यानी कि वो लोग एम्स्टर्डम टापू पर कब पहुंचते हैं, तो अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, लगभग शाम को जब 6 बजता है, तो ऑथर को लग जाता है कि हम लोग उससे पार कर चुके हैं, लेकिन वो पार नहीं किए थे, वो पहुंच गए थे लगभग शाम को 6 बजे, वो लोग कहां पहुंच गए थे, अर्ली एम्स्टर्डम टापू पर। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है व्हाट हैपेंड टू द ऑथर, यानी ऑथर्स बॉडी, यानी कि ऑथर के बॉडी के साथ क्या हुआ, व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेस्क, यानी जब किसी तरह से मैनेज करके वो डेस्क तक उनको जब पहुंचना था, तो उनके साथ क्या हुआ, क्या हुआ था सर, पता है आपको, नहीं पता था सर, मैं आपको बताता हूं। बोलता है हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, यानी कि टूट गया था, माउथ फिल्ड विद ब्लड, उनका जो मुंह था पूरी तरह से खून से भर गया था, एंड ब्रोकन टूथ, यानी कि ब्रोकन टीथ, यानी कि टूटे हुए दांतों से भर गया था, यानी कि पूरा तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा पूरा बराबर हो गया था। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर। बोलता है व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, यानी कि तूफान से अपने नाव को स्लो डाउन करने के लिए, यानी कि धीरा करने के लिए वो लोगों ने क्या किया था सर, देखते हैं क्या किया था। ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, स्टॉर्म जिप क्या होता है, एक प्रकार का कपड़ा होता है जो नाव के ऊपर लगा होता है, उस कपड़ा को उन्होंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, यानी कि गिरा दिया, है ना, लेस हैवी मोरिंग रोप,
और सारे चीजों को मजबूत मजबूत रस्सियों से क्या कर दिया, बांध दिया। क्लियर है सर? मजा आ रहा है? मजा आ रहा होगा तो सर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोलता है, व्हाई डिड ऑथर डिसाइड टू गो फॉर द राउंड द वियोग, यानी कि वर्ल्ड वियोग, यानी कि समुद्र यात्रा को कवर करने के लिए, यानी कि दुनिया का चक्कर लगाने के लिए ऑथर ने ऐसा क्यों डिसाइड किया, क्या आखिर कारण था? तो देखते हैं सर क्यों किया था। टू डुप्लीकेट द वियोग मैड 200 ईयर एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी कि डुप्लीकेट करने को, यानी कि उनको दोहराना था। दोबारा उनको क्या करना था? दोहराना था। किसके यात्रा को सर? सर कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक जो वो किए थे 200 ईयर एगो, यानी कि 200 साल पहले उस यात्रा को किए थे, उन्हीं के यात्रा को, यानी कि कैप्टन जेम्स कुक के यात्रा को उनको क्या करना था? दोहराना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑथर ने डिसाइड किया दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन बोलता है सर, 200 ईयर एगो यानी कि 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड वियोग, यानी कि दुनिया का चक्कर लगाया गया था, वाज मेड बाय, वो किया गया था किसके द्वारा किया गया था सर? सर कैप्टन जेम्स कुक। किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर, बोलता है व्हाट डिड ऑथर सी, यानी कि ऑथर ने क्या देखा, ऑथर ने क्या देखा व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर से जब उनका पानी से, यानी कि सर जब बाहर निकला ना सर, बाहर जब आया ना, तो उन्होंने क्या देखा था? देखा था ना, देखते हैं क्या देखा था। बोलता है द शिप वाज नियर कैप्साइजिंग, ऐसा लग रहा था कि शिप जो अब डूब ही जाएगा, है ना। हर मेन मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उनका जो मेन मास्ट था वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गया था। कहने का मतलब नाव पूरा इस तरीके से जो पहले से था लग रहा था कि एकदम ऐसे हो गया है, अब पूरी तरह से नाव क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ऐसा लग रहा था। किसको लग रहा था? सर ऑथर को। आगे बढ़ते हैं सर, और ये हुआ सर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है सर डिस्कवरिंग टट, डिस्कवरिंग टट, देखते हैं इसे 10 क्वेश्चन। बोलता है हु डिस्कवर टट टोम एंड वेन, यानी कि टट के टोम को कौन डिस्कवर किया था, यानी कि कौन खोज किया था, कब किया था? तो उन्हें किया थे सर हावर्ड कार्टर 1922, यानी कि हावर्ड कार्टर ने किया था, कब किया था? 1922 में सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन वाज टट बॉडी टेकन फॉर द सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, आफ्टर बीइंग फाउंड, मतलब कब टट के बॉडी को लेकर के जाया गया था सिटी स्कैन के लिए आफ्टर बीइंग फाउंड, यानी खोजने के बाद, यानी कि जब मिल गया था ना, तो कितने वर्ष बाद दोबारा उनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था? तो कितने वर्ष बाद सर? आफ्टर 80 ईयर, 80 वर्ष बाद, यानी कि खोजने के 80 वर्ष बाद उनका सीटी स्कैन किया जा रहा था। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में नेक्स्ट, बोलता है फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एमोनोहोटेप थर्ड रूल इजिप्ट, यानी कि एमोनोहोटेप थर्ड ने कितने वर्षों तक इजिप्ट पर रूल किया था, यानी कि राज किया था सर? किया था 40 ईयर, यानी कितना साल सर? 40 वर्षों तक। कितना वर्षों तक सर? 40 वर्षों तक। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट नेम डिड एमोनोहोटेप फोर चेंज टू, यानी कि एमोनोहोटेप फोर ने अपने नाम को बदल के क्या रख लिया था? अपना नाम को उन्होंने बदला था ना सर? बिल्कुल बदला था। तो उन्होंने अपना नाम को कैचे बदल लिया था? तो उन्होंने अपने नाम को बदल लिया था अखेंटेन में। कैचे में सर? अखेंटेन, इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ सन, यानी कि सूर्य का नौकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट वाज फाउंड विद द टूटनखामुन्स बॉडी, यानी टूटनखामुन्स बॉडी के साथ, यानी कि टट के बॉडी के साथ क्या क्या मिला था? देखते हैं सर, गोल्ड मिला था, यानी कि सोने मिले थे, वेल्थ यानी कि धन दौलत, है ना, ब्रोंज रेजर, रेजर मिला था, गेम मिला था, यानी कि गेम आप समझ रहे हैं, क्लोथेस यानी कि कपड़े मिले थे, केसेस ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार का खाना मिले थे, एंड वाइन्स यानी कि शराब मिला था। जी हां गाइस, ये सारे चीजों को दिया गया था किसको सर? किंग टट को, जब मरे थे तब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु प्रमोट द वर्शिप ऑफ द एटेन, एटेन यानी कि इजिप्ट में सूर्य को बोला जाता था एटेन, यानी कि एटेन के पूजा को, यानी कि सूर्य के पूजा को कौन प्रमोट करता है? तो कौन प्रमोट किया था सर? बिल्कुल आपको पता होगा सर, एमोनोहोटेप फोर्थ, एमोनोहोटेप फोर्थ, यानी कि एमोनोहोटेप फोर्थ जो आया था ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का पूजा होगा और वो है सन। सारे चीजें को, वहां जितना भी मूर्तियां थी, जो भी चीजें था, सारा का सारा क्या कर दिया, वो तोड़ दिया था, और सभी लोगों को उन्होंने आदेश दिया कि सिर्फ और सिर्फ सूर्य का काची करना है, पूजा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा सर, हु इज ओसिरिस, हु इज ओसिरिस, यानी कि ओसिरिस कौन है? तो ओसिरिस है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी कि मरने के बाद भी एक भगवान होते हैं, ऐसा वहां माना जाता था इजिप्ट में, तो उसी को वहां बोला जाता था ओसिरिस, यानी कि ओसिरिस कौन है? तो गॉड यानी कि भगवान थे ऑफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद, यानी कि जब मर जाते हैं उसके बाद का वहां प्रकाशित है सर, वो भगवान थे। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन, व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन, यानी कि पहला कॉफिन में वे लोगों को क्या मिला, है ना, जब टट का बॉडी को पहला कॉफिन को खोला गया तो वे लोगों को क्या मिला था? देखते हैं सर क्या मिला था। गार्लैंड्स ऑफ ओलिव्स, ओलिव्स है ना, ओलिव्स के कुछ गार्लैंड्स मिले थे, लोटस पीटल्स यानी कि क्या बोल सकते हैं, लोटस का कुल पीटल्स यानी कि कुछ पखंडी वगैरह मिले थे, एंड द कॉर्न फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, और मक्का का कुछ फूल वगैरह मिला था। जी गाइस, ए गलती से हो गया गाइस, फ्लावर एंड कॉइंस ए गलती से हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हियर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं सर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट इज
डैश वॉज द लास्ट ईयर ऑफ द पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी, यानी कि इजिप्ट डायनेस्टी का कौन जो था लास्ट वंशज था, कौन वंशज था सर, लास्ट वंशज कौन था, तो थे सर किंग टट, किंग टट, किंग टट के बाद कोई वहां पर राजा नहीं बना क्योंकि इनका शादी ब्याह भी नहीं हुआ था और इनका वंश आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके वजह से पूरा डायनेस्टी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलता है हाउ डिड कार्टर रिमूव द रिजिंस, रिजिंस क्या होता है सर, एक प्रकार का मटेरियल होता है जो मरने के बाद उस बॉडी पर लगा दिया जाता है ताकि बहुत दिन तक हमारा जो बॉडी है वो खराब ना हो, राइट। तो व्हाट हाउ डिड कार्टर रिमूव रिजिंस, यानी कार्टर ने, यानी कि हावर्ड कार्टर जब खोज किया था 1922 में, तो रिजिंस को उन्होंने कैसे रिमूव किया, तो उन्होंने किया था सर विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर, यानी कि छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया था, चीजल को बाहर किया था, सॉरी सर रिजिंस को बाहर किया था। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, ये रहा सर डिस्कवरिंग टट का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी एडवेंचर से देखते हैं 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, राइट। बोलता है वेयर वाज प्रोफेसर गेटेंडो ट्रेवल टू, जी हाँ, यानी कि प्रोफेसर गेटेंडो कहां के लिए यात्रा कर रहे थे, कहां के लिए वो निकले हुए थे, जी हाँ सर, वो निकले हुए थे फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, यानी कि पुणे से उनको कहां जाना था, बॉम्बे जाना था सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलता है व्हाट डिड प्रोफेसर डू, यानी कि प्रोफेसर ने क्या किया, व्हेन ही नोटिस्ड द एम्प्टी चेयर, जब उन्होंने खाली चेयर को देखा था ना सर, जब उन्होंने खाली चेयर को देखा था उसके बाद उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने किया था ही सैट ऑन द चेयर, इसके बाद उन्होंने क्या किया था, ही सैट ऑन द चेयर, कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे, उसके बाद वहां पर आपको पता होगा ना चाहिए कि उन्होंने उसके बाद उनको साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था, जी हां सर, लात मुक्का खाए थे। नंबर नेक्स्ट आंसर आपके स्क्रीन पे, बोलता है हुम डिड प्रोफेसर गेटेंडो इंक्वायर, यानी कि किसके बारे में प्रोफेसर गेटेंडो ने क्या किया, इंक्वायरी किया, यानी कि पूछताछ किया अबाउट ऑन द एंट्रिंग द फोर्थ बिल्डिंग, यानी कि जब पहली बार उन्होंने बिल्डिंग के अंदर एंट्री मारा तो सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में पूछा था सर, देखते हैं सर, उन्होंने पूछा था सर मिस्टर विनय गेटेंडो, और मिस्टर विनय गेटेंडो कौन थे, तो प्रोफेसर साहब के कौन थे, बेटे थे, यानी कि सन थे। क्लियर है, सबसे पहले इनके बारे में पूछे थे कि क्या विनय गेटेंडो से मेरा मुलाकात हो सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बोलता है इज रियलिटी, क्या वाकई में, क्या वाकई में वॉज द प्रोफेसर इन द टू डिफरेंट वर्ल्ड, क्या वाकई में जो प्रोफेसर गेटेंडो थे ना वो अलग अलग दो दुनिया में चल गए थे, एट द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि एक ही समय में क्या वो अलग अलग दो दुनिया में चल गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा सर यस, यानी कि सच में चल गए थे, यानी कि जब उनको, जब वो घर के लिए निकले थे तो उनको क्या हुआ था, यानी कि बस से क्या हो गया था, यानी कि टक्कर हो गया था, जिसके चलते एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो कोमा में चल गए थे और दूसरा दुनिया में चल गए थे, राइट, जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलता है व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ टू द मराठा इन द रियलिटी, यानी कि मराठा के साथ रियलिटी में क्या हुआ था, तो दे लॉस्ट द बैटल, दे लॉस्ट द बैटल, उन्होंने क्या किए थे सर, उन लोगों ने क्या किया था, लड़ाई को हार गया था सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलता है Whom did professor meet at the hospital? यानी कि प्रोफेसर जी किससे जाके मिलते हैं कहां पर सर, हॉस्पिटल में, किससे उनका मुलाकात होता है सर, उनका मुलाकात होता है राजेंद्र से, कौन सर, राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ आफ्टर द एम्प्टी चेयर इंसिडेंट, यानी जब एम्प्टी चेयर वाला जो इंसिडेंट हुआ था, यानी कि जो खाली चेयर था और जाकर प्रोफेसर साहब बैठ गए थे, वो इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, तो क्या हुआ था सर, ही वॉज इन द हॉस्पिटल, यानी कि उनको इतना मारपीट पड़ गया था ना, उसके बाद वो कहां पहुंच गए थे सर, हॉस्पिटल पहुंच गए थे प्रोफेसर साहब। क्लियर सर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलता है विच बुक डिड प्रोफेसर स्लिप इनटू हिज पॉकेट, यानी कौन सा किताब उन्होंने अपनी गलती से अपने पॉकेट में लेकर के चले गए थे बिफोर लिविंग द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी को छोड़ने से पहले, तो सर किताब था भाकर साहब का, किसका सर, भाकर साहब का किताब था, वो किताब को लेकर के चले गए थे, याद रखेंगे सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाई डिड प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल, यानी कि प्रोफेसर साहब टाउन हॉल क्यों गए थे, तो क्यों गए थे सर, देखते हैं, टू चेक फैक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री बुक, यानी कि इतिहास की किताब से फैक्ट को पता करने के लिए, उस सच्चाई को पता करने के लिए, कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था या फिर नहीं हुआ था, राइट। आगे सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन बाय विच प्रोफेसर गेटेंडो वाज ट्रेवलिंग, वो ट्रेन का क्या नाम था जिस ट्रेन से प्रोफेसर साहब क्या कर रहे थे, प्रोफेसर गेटेंडो ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, क्या चीज नाम था सर, उस ट्रेन का नाम था जीजा माता एक्सप्रेस, जी हाँ जीजा माता एक्सप्रेस। अब गाइस लास्ट चैप्टर, दैट इज सिल्क रोड, जी हाँ सर, अंतिम चैप्टर देखते हैं सर सिल्क रोड से, 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, देखते हैं सर। बोलता है व्हाट इज कोरा, व्हाट इज कोरा, यानी कि कोरा किसको बोलते हैं, कोरा ने क्या कोरा लेना क्या, अरे नहीं छोटा कोरा नहीं। बोलता है मेडिटेशन परफॉर्म बाय द बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म लोगों के द्वारा वहां एक मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान मग्न किया जाता है, उसी को उन लोगों ने बोला था
कोरा, जिस तरह से हमारे लैंग्वेज में अब हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमा, किसी भी परिक्रमा हम लोग करते हैं ना, उसी को वहां पर लोग बोलते था कोरा। कोरा कहने का मतलब क्या चाहिए, तो एक मेडिटेशन परफॉर्म किया जाता है बुद्धिज्म लोगों के द्वारा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डिड लामो गिव टू द प्रोटैगोनिस्ट एज अ फेयरवेल गिफ्ट, यानी कि उस नायक को, यानी कि उस चैप्टर का जो नायक थे है ना, उन्होंने उनको उन्होंने क्या दिया फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर, लामो ने है ना, लामो ने उनको क्या दिया था, तो क्या दिया था सर देखते हैं, लॉन्ग सिल्क शिप स्किन कोट, यानी कि लॉन्ग यानी कि लंबा बाही वाला, फुल बाही देख सकते हैं मेरा शर्ट है ना, फुल बाही वाला क्या दिया था, शिप के स्किन से बना हुआ कोट दिया था, शिप के स्किन से बना हुआ क्या दिया था, कोट दिया था, ताकि ठंडा से होकर सके बच सके। आगे सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, व्हाट डिड प्रोटैगोनिस्ट नोटिस इन द फ्रंट ऑफ द नोमैड टेंट, यानी कि नोमैड टेंट के बाहर प्रोटैगोनिस्ट ने, यानी कि इस चैप्टर का जो नायक है ना, मेन जो भूमिका निभाए इस चैप्टर में, उन्होंने क्या चीज नोटिस किया था, तो उन्होंने देखा था सर बिग ब्लैक टिबेटियन डॉग्स, बिग ब्लैक टिबेटियन डॉग्स, यानी कि तिब्बत के वहां पर बड़े बड़े कुत्ता को उन्होंने देखा था, कहां पर, नोमैड्स टेंट के बाहर है ना। आगे बोलता है, व्हाट आर नेम ऑफ द फोर रिवर दैट लैक मानसरोवर कंसिस्ट ऑफ, यानी को चार नदी का आपको नाम बताना है जो मानसरोवर में जाकर के कंसिस्ट करते हैं, मानसरोवर में जाकर के मिलती है सर, चार नदियां का नाम है इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। वंस अगेन रिपीटिंग, इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ये चार नदियां हैं जो जाकर के मानसरोवर में मिलती है। क्लियर है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर डिड सेतन टेक द प्रोटैगोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प, यानी कि मेडिकल हेल्प के लिए सेतन ने उनको कहां लेकर के गए थे है ना, सेतन कहां लेकर गए थे, तो लेकर गए थे सर डर्चेन मेडिकल कॉलेज, यानी कि डर्चेन एक जगह का नाम है, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज था, वहां पर वो क्या करने के लिए गए थे, चेकअप करवाने के लिए गए थे, चूंकि उनका तबियत हो गया था खराब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर डिड प्रोटैगोनिस्ट मीट नोरबू, यानी कि नोरबू से प्रोटैगोनिस्ट ने कब मिले थे, कहां मिले थे, सॉरी वेयर, कहां मिले थे है ना, यानी कि इस चैप्टर का जो नायक है उन्होंने नोरबू से कहां मिला था, एट कैफे, कैफे में है ना, कैफे में जब कॉफी वगैरह पीने गए थे तो वहां पर उनको मुलाकात हुआ था सर नोरबू से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेयर डिड नोरबू वर्क, वेयर डिड नोरबू वर्क, नोरबू कहां काम करता है, तो सर काम करता है बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, यानी कि इस जगह पर क्या करता है, नोरबू काम करता है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Where was protagonist heading towards in the beginning of the chapter? Chapter के starting में जो protagonist है, इस chapter के जो नायक है, वो कहाँ heading towards? यानी कि कहाँ आगे बढ़ते हैं? कहाँ आगे बढ़ते हैं? तो सर आगे बढ़ते हैं माउंट कैलाश के लिए, माउंट कैलाश के लिए, यानी कि माउंट कैलाश का उनका क्या करना था, सर कोरा करना था, और वहीं पर वो जाने वाले थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, व्हाई डिड ड्राइवर टेक शॉर्टकट टू द चेंटेंग, चेंटेंग एक जगह का नाम है, यानी कि ड्राइवर ने शॉर्टकट क्यों लिया, यानी कि लॉन्ग रास्ता को नहीं लेकर के शॉर्टकट रास्ता को क्यों लिया चेंटेंग जाने के लिए, तो उन्होंने इस लिया था, ही न्यू द शॉर्टकट, क्योंकि वो शॉर्टकट रूट को जानते थे टुवर्ड्स माउंट कैलाश, मतलब वहां जाने के बाद, चेंटेंग जाने के बाद वहां से उनको पता था कि वहां से एक और शॉर्टकट रास्ता कौन सा है जो कहां लेके जाएगा, सर माउंट कैलाश लेके जाएगा, इसीलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता को लिया था सर। आगे देखते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन रहा सर आपके स्क्रीन पे, बोलता है एट व्हाट सिलेबल, मतलब कौन कितना सिलेबल, यानी कि सिलेबल से कितना ऊपर, वर द थ्री ऑफ देम, यानी कि वो तीनों लोग थे, व्हेन दे सॉ द स्नो ऑन द रोड, यानी कि जब रोड पर उन्होंने स्नो देखा, बर्फ देखा, तो समुद्र लेवल से कितना ऊपर थे, कितना ऊपर थे सर, 5210 मीटर उस समुद्री लेवल से काची थे ऊपर थे। क्लियर सर, जी दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा का पूरा हॉर्नबिल बुक से 5 चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी गाइस, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर जिक्र किया हूँ जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।